आप क्या हाल चाल हैं आपका दोस्त फजल वदूद एक दफ़ा फिर हाजिर ख़िदमत है नए टॉपिक के साथ आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में ये प्रोग्राम आपको जैसे कि पता है इंश्योर प्रो प्रोफिनेंशल सर्विसेज के तान से पेश किया जाता है कोशिश हमारी यही कि हर दफ़े एक नया यूज़फुल टॉपिक लेके आए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल uh, हो और आप जब अपने डिफरेंट किस्म के फिनेंशल डिसीजंस कर रहे हों तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जब आप जाहिर है हम सब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में रजिस्टर्ड uh, हो गई होती है तो वो ऑटोमेटिकली जब वो स्नैरियो सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आती हैं और इसके साथ ही साथ हमेशा ये कहते हैं कि ए, फ, किसी भी फिनंशल मैटर्स के लिए चाहे आपका टैक्स प्लानिंग है आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग है इन्वेस्टिंग है ए, स्टेट प्लानिंग है प्लीज़ कॉल अस हमारे पास फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम भी मौजूद है आ, इस बिज़नेस में इस काम में ऑलमोस्ट थर्टी इयर्स मुझे हो गए हैं तो जो कुछ जानते हैं हमारा हमेशा हमारा ये वादा है कि एक ऑथेंटिक सर्विस आपको देंगे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और इसमें जाहरी बात है कि हर चीज़ ख़ुद बंदे को नहीं आती आ, लेकिन ये है कि आई ऑन माई बैक मेरी अपनी जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस तो जो है ही है ऑन माय बैक आई डू हैव वेरी ट्रेंड प्रोफेशनल्स जब ज़रूरत होती है तो मैं उनसे भी मदद लेता हूँ और आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा के यू नो वी मेक श्योर कि आपको एक सॉलिड एडवाइस मिल सके फॉर एग्जांपल आपने विल लिखवानी है मेरे पास एक अच्छे अटर्नी है टैक्स का मामला है हमारे पास सी हैं और ओवर ओवरऑल जो फिनेंशियल प्लानिंग है वो मैं ख़ुद करता हूँ तो ये सारी चीज़ें हमेशा एक टीम की शक्ल में आपको ये मेक श्योर sure करने के लिए कि आपको एक ऑथेंटिक एडवाइस मिले वी आर ऑलवेज़ देयर नंबर हमारा बड़ा आसान 9056075000। आज थोड़ी सी बात बिज़नेस ओनर्स के लिए है और अक्सर ये सिचुएशन होती है कि बिज़नेस बड़ी मेहनत के साथ खड़ा किया जाता है और बिजनेस में अक्सर बिजनेस ऑनर की एफर्ट्स तो होती ही होती हैं उसके साथ साथ उनके इम्प्लॉज भी हैं और अक्सर कुछ इम्प्लॉज़ उस बिज़नेस के लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास हो जाते हैं बिकॉज़ दे बिकम योर वेरी क्रिटिकल मेंबर ऑफ़ योर टीम और आपकी सक्सेस में आपके बिज़नेस की सक्सेस में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती हैं और उस सूरत हाल में आप अक्सर ये सोचते हैं कि अगर ये मेरा एम्प्लोई मुझे छोड़ के चला गया या इसकी डेथ हो गई इसकी डिसेबिलिटी हो गई इसकी क्रिटिकल इलनेस हो गई तो मैं क्या करूँगा पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मैंने की इंश्योरेंस की बात की जिसमें मकसद ये था कि आपका मानिए बिज़नेस है आपका एक एम्प्लॉई uh, है यू कॉल बिज़नेस मैनेजर और स्टोर मैनेजर और वट एवर बट ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर बिज़नेस एंड फॉर इट्स सक्सेस ऑफ़ योर बिज़नेस तो उस सूरत हाल में अक्सर ये थ्रेट हो सकता है कि वो एम्प्लॉ बीमार पड़ जाए डिसेबल हो जाए या डेथ हो जाए तो आपके बिज़नेस पे उसका इम्पेक्ट है जब तक आपको दूसरा उतना ही काबिल डिपेंडेबल एम्प्लॉ नहीं मिलता इट मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बिज़नेस तो इस पर एक तफसीली प्रोग्राम हमने पिछले दिनों किया एक और नुक़ा बड़ा अहम इसी हवाले से है कि सब डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस और अ डेथ ओबली इन चीज़ों के चांसेस तो हैं तो इसके लिए तो प्लान अवेलेबल हमने बताया पिछली दफ़े भी कि है जिसमें आपको आपके बिज़नेस को इस नेगेटिव इम्पेक्ट से बचाया जा सकता है अगर इनमें से कुछ हो जाए और मज़े की बात ये कि जब हम ये प्लान को डिज़ाइन करते हैं तो वी मेक श्योर कि आपकी पॉकेट से नहीं बल्कि सी आर ए के अकाउंट से जाए यानी आपका बिजनेस जो टैक्स अदा कर रहा है उस टैक्स डॉलर्स में से मैं ये प्लान आपको बना के दूँ आपके ऊपर कोई एडिशनल फिनेंशियल कॉस्ट इसकी ना आए तो ये हमने डिस्कस किया बहुत से दोस्तों ने मुझे कॉल भी किया और हम उस पर काम कर रहे हैं और आई वुड इनक्रेज यू इफ़ यू आर लिसनिंग दिस फर्स्ट टाइम प्लीज़ गिव मी अ बस एंड आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस योर स्नैरियो एंड हाउ द स्कीम एंड इंश्योरेंस प्लान वर्कस हाउ वी मेक श्योर इट डज़ नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग बट यू पे इट आउट ऑफ योर टैक्स डॉलर्स उसके लिए कॉल कर सकते हैं नाइन ओ फाइव सिक्स जीरो सेवन फाइव थाउजेंड पे एक चीज आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये तो हो गया कि ये इस किस्म की सूरत हाल में अगर हुआ तो इसका इम्पैक्ट एक चीज़ इससे भी ज़्यादा कॉमन है जो बहुत होती है वो ये है कि अच्छा एम्प्लॉ जो है वो दूसरों की नज़र में भी आ जाता है आपके कंपटीशन को भी पता है कि आपके बिजनेस में फलाना बंदा बड़ा काम का है उसकी वजह से आप रात को सुकून से सोते हैं आप एक एंड पे बैठे हैं तो वो दूसरे एंड पे बैठा हुआ है और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कंपटीशन को भी ये नज़र आ रहा होता है कि जनाब कौन ऐसा बंदा है जो आपके साथ खड़ा है और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है क्योंकि आपको तो वो चुरा नहीं सकते आपसे मगर आपके इम्प्लॉ को वो चुरा सकते हैं बाय गिविंग हिम अ बेटर पैकेज इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज का मेरा एक टॉपिक है मैंने कई बिज़नेस ओनर्स की इस सिलसिले में हेल्प की इसे मैं कहता हूँ गोल्डन हैंड कॉफ आप अपने एम्प्लॉ को सैलरी से तो बांध नहीं सकते हैं कोई दूसरा एक अच्छी सैलरी उससे बेहतर सैलरी दे सकता है कहाँ तक मैच कीजिएगा तो क्या इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव है तो यकीनी तौर पे इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है जब आप बैठते हैं डिस्कस करते हैं तो कई ऑप्शंस कई आइडियाज़ सामने आते हैं और यही मेरा काम है एज ए अंडर राइटर एज ए फिनशियल प्लानर और चूँकि फोकस इसी तरफ है कि बिज़नेस कम्युनिटी में जो हमारे बहन भाई एफर्ट्स कर रहे हैं उनको कैसे हेल्प आउट किया जाए तो स्टे क्यों छोटी सी ब्रेक लेते हैं आके इस इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हैं हमारा नंबर है नाइन आप यूनिक हैं आपका बिज़नेस यूनिक है स्नैरियोस हर बंदे का दूसरे से डिफरेंट है इसलिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स इन प्रोग्राम्स पे बड़े हाई लेवल पे रखा जाता है टू थिंक एंड डिस्कस इन डेप्थ यू मस गिव मी अ बस बैठेंगे डिस्कस करेंगे ऑप्शंस तलाश करेंगे आपके लिए जो आपके बिजनेस आपके फिनेंशियल फ्यूचर के लिए यकीनन हेल्पफुल साबित होंगी ये है हमारा वादा ये है वादा इंश्योर प्रो फल सर्विसेज का आपके साथ स्टेट्यून लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड देन आई आल कम बैक एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन थैंक यू जी जनाब तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा क्विकली रिपीट हमेशा करता हूँ ताकि जो बाद में ज्वाइन किया हो जिन्होंने उनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि बात हो क्या रही थी मैंने बात की कि बिज़नेस जो है यकीनन आप मेहनत करते हैं आपने इन्वेस्ट किया है आपका फिनेंशियल फ्यूचर आपके प्यारों का अपने बीवी बच्चों का फैमिली का फिनेंशियल फ्यूचर आपके बिज़नेस की सक्सेस पे डिपेंड करता है आप तो कोशिश करेंगे ही लेकिन अक्सर ये देखा गया है आप भी गौर करेंगे तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ में किसी न किसी डिपेंडेबल काबिल डिवोटेड लॉयल एम्प्लॉ का ज़रूर हाथ होता है उसकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है और आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ये एम्प्लॉ आपके साथ लॉन्गेस्ट टाइम तक काम करें वक्त के साथ साथ आप सैलरी भी बढ़ाते रहते हैं मगर आपके बिज़नेस आपकी ग्रोथ को आपसे ज़्यादा आपका कंपेटिटर जो है कंपटीशन में जो है वो वॉच कर रहा होता है वो देख रहा होता है कि ये साहब जो हैं इनकी जो ग्रोथ है इसमें उनके अलावा और किस किस की कंट्रीब्यूशन है क्योंकि देखिए जी बिजनेस ओनर को तो चुरा नहीं सकता आपको तो वो आपसे चुरा नहीं सकता मगर आपके अच्छे एम्प्लॉई को ज़रूर वो बेहतर पैकेज दे के आपसे छीन सकता है एंड दैट कुड बी अनदर थ्रेट टू द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस रिमेम्बर पिछले एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि अगर आपका बेस्ट एम्प्लॉई डिपेंडेबल एम्प्लॉ जो है वो बीमार पड़ जाए डिसेबल हो जाए या डेथ हो जाए तो आपके बिज़नेस को एक सिग्निफिकेंट फिनशियल लॉस है जब तक वो सेहतमंद होकर रिकवर हो के वापस नहीं आता या उसकी जगह पे डेथ की सूरत में उसकी जगह पे कोई दूसरा अच्छा एम्प्लॉ आप तैयार नहीं कर लेते विल हैव अ फिनेंशियल स्ट्रेस विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस ये तो बात हो गई लेकिन उससे भी कॉमन स्नैरियो होता रहता है कि पाँच साल चार छः साल में आपका एम्प्लॉ जो है वो उसको किसी और ने उड़ा लिया आपसे अच्छे पैसे दे के क्या किया जाए इसमें क्या ऐसा किया जा सकता है कि आपको पीस ऑफ माइंड हो कि आपका एम्प्लॉ आपके साथ लॉन्गेस्ट टाइम तक रहेगा तो इसमें जनाब आई कैन हेल्प यू आउट टू डिजाइन अ प्लान ऑफ इंश्योरेंस अ प्लान जिसे मैं बोलता हूं गोल्डन हैंड कॉफ गोल्डन हैंड कॉफ जो है ना आपकी गोल्डन हैंड कॉफ आपकी जो है वो इस तरह वर्क करती है कि आपके एम्प्लॉय के लिए जनाब हम ऐसा डिजाइन प्लान कर देते हैं जो आपकी जेब पे फालतू खर्चा नहीं है मगर आपके एम्प्लॉ के लिए एक शानदार इंसेंटिव है कि काम करते करते जो वो काम कर रहा होगा लेकिन जब वो रिटायर होगा या एक्सपायर होगा जिंदगी में दो चीज़ें तो होनी है यहाँ साहब हम सब ने रिटायर होना है या एक्सपायर होना है ऊपर वाले से बुलावा आना है दोनों सूरतों में उसके लिए आपने एक अच्छा फिनेंशल प्लान बनवाया हुआ है जो प्लान उसके बुढ़ापे को और उसके अचानक चले जाने की सूरत में उसकी फैमिली को एक फिनेन्शल स्ट्रेस से बचा सकता है प्लान जैसे कि आपने महसूस किया होगा It needs to be designed. It needs to be written properly. It is technically something which requires certain expertise. It has some legal, even labor law, isme you hai, wo bhi involved hai. आपको certain three cases इसको design करना है. इसे make sure करना है कि ये लिए भी एक additional expense now मगर इसे डिज़ाइन किया जा सकता है फ़ायदा बड़ा सिंपल आपके लिए पीस ऑफ माइंड सबसे पहले कि आपका एम्प्लॉई ये समझता है कि आप उसके लिए बहुत दूर तक सोचते हैं आप उसके अलावा उसके बीवी बच्चों के बारे में उसकी फैमिली के बारे में सोचते हैं आप एक केयरिंग एम्प्लॉयी हैं जिससे क्लियरली उसकी लॉयलिटीज़ आपके साथ और बढ़ जाती हैं प्लस एक फिनेंशल नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो छोड़ के कहीं और जाता है जो कि दूसरे आपके कंपैटिटर के लिए मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्यों जो प्लान आज हमने सेट किया आपके एम्प्लॉय के लिए मुमकिन है दो तीन साल के बाद वो प्लान आपका कंपेटिटर कम्पै, जो है आपके जो कंपटीशन में बिज़नेस वाला है वो उसको हायर तो करना चाहे मगर वो वैसा प्लान बना नहीं पाएगा इसलिए नहीं कि ये नॉलेज सिर्फ़ हमारे पास है इसलिए आज का आपका एम्प्लॉ मानिए चालीस साल का है दो साल के बाद उसको कोई और आपके कंपटीशन में उसे कोई ऑफर करता है तो आपका एम्प्लॉई फोर्टी टू का हो गया है और अगर उसकी हेल्थ में कोई तब्दीली आ गई है तो प्लान रिप्लेस करना और भी मुश्किल है आपके कंपेटिटर के लिए देन आपका एम्प्लॉय आपके पास यकीनी तौर पे अगर वो प्योरली ऑन अ फिनेंशियल ग्राउंड्स भी डिसीजन करेगा तो ही विल प्रेफर टू स्टे विद यू not going elsewhere but on the very positive side it is a win-win situation for you peace of mind that you will have a good employee you will able to retain him for the longest possible time with minimum to no cost to you at the same time it is वेरी गुड प्लान फॉर यूर एम्प्लॉयी हिज रिसोर्सिस हिज़ इनकम इज़ पर हैब्स लिमिटेड स्टिल ही लेबल टू सेव फॉर हिज रिटायरमेंट इन केस हिफ ही डाइव गुड फॉर हिज फैमिली सो आपने उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनवाया है जो उसके और उसकी फैमिली के लिए उसके लेटर एज के लिए अच्छा है तो एक बड़ी विन विन स्नैरियो है और अगर प्योर नंबर्स पे कोई बात करेगा तब भी इफ समवन गोज एल्सवेयर ही और शी मे लूज द वैल्यू विच यू एंड योर प्लान कुड प्रोवाइड टू हिम और हर दैट इज वाई आई कॉल इट अ गोल्डन हैंडकफ कैसे वर्क करता है इसमें सटनली सर्टन प्रॉपर तरीके से टेक्निकल चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं इन सारी चीज़ों के लिए यू कैन ऑलवेज़ कॉल अस माई नंबर टू रीच इज़ नाइन ओ फाइव सिक्स ज़ीरो सेवन फाइव थाउजेंड उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपकी नॉलेज में इजाफा भी होगा हुआ, हुआ होगा बहुत से ऐसे टॉपिक्स बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं जैसे मैं अक्सर कहता हूँ गलबा इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि आप यूनिक हैं आपके सरकमस्टेंस यूनिक हैं आपका बिजनेस मॉडल डिफरेंट हो सकता है या है इसलिए आपको वन ऑन वन बेसिस पे बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है ये प्रोग्राम एक तारफी सा एक हाई लेवल पे टॉपिक आपसे शेयर करना होता है बिकॉज इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज और मेरा मिशन ये है कि अपनी कम्युनिटी में फाइनेंशियल अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए इस काम में थर्टी इयर्स हो गए हैं आप दोस्तों का बहुत ताउन है आपके ट्रस्ट का शुक्रिया लास्ट ईयर आई स्टूड नंबर वन इन माई एम जी ए ऑफ़ ऑलमोस्ट अ थाउजेंड एडवाइजर इन इट मिलियन डॉलर राउंड टेबल कुछ सालों से क्वालिफाई कर रहे हैं थर्टी ईयर्स से इस फील्ड में है अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज खुद लिखी एडवाइजर्स को पढ़ाया क्लेम पे किए आई एम फॉर श्योर द ओनली एडवाइज़र इन दनेडियन मार्किट हु वर्कड अप टू द लेवल ऑफ अ चीफ एंड राइटर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टू द इंश्योरेंस प्रोफेशनल बुक्स टॉट टू डिफ़रेंट एडवाइज़र्स और पिछले छः साल से एज ए एडवाइज़र आपकी ख़िदमत कर रहा है जिस वक्त भी कोई प्लान हम लिखते हैं वी मेक श्योर प्लान लिखते हुए हमारी नज़र इस बात पर होती है कि वक्त पे क्लेम अदा हो वक्त पर ये आपके काम आए शर्त यही दरख्वास्त यही पता कीजिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं By calling us at 905 607 5000, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ टिल देन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए हमें दुआओं में याद रखिए बी प्लेस्ड सी यू नेक्स्ट टाइम